एक तरफ योगी सरकार धर्मनगरी चित्रकूट के विकास को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रही है और ये दिखा रही है कि उसकी प्राथमिकता में है यहाँ का सर्वांगीण विकास, लेकिन मंदाकिनी की स्वच्छता को लेकर सरकार का प्रयास फिलहाल ढकोसला ही समझ आ रहा है। सरकारी लापरवाही का आलम यह है कि लाखों लोगों की सेहत के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। क्षेत्र में गर्मी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर मंदाकिनी नदी के अस्तित्व पर संकट के बादल छाने लगे हैं। गंदगी और अतिक्रमण से जूझती मंदाकिनी नदी का जल स्तर एक बार फिर घटने लगा है। हालांकि गत वर्षों की तुलना में इस साल अब तक मंदाकिनी नदी का जल स्तर बेहतर है, इसके बावजूद लोगों में फिर से एक बार फिर मंदाकिनी का प्रदूषण चर्चा का विषय बन रहा है। आपको ये जानना भी जरूरी है कि इसी मंदाकिनी नदी से चित्रकूट जिला मुख्यालय, सीतापुर और पहाड़ी के कई गांवों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। ऐसे में शुद्ध पेयजल की कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि शासन अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है, इसके लिए कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनाई गई? सबसे खास बात ये भी है कि मंदाकिनी नदी इन नालों के कारण लगातार प्रदूषित भी हो रही है। साथ ही बताते चलें कि विगत महीनों पहले अभी जिला मुख्यालय में कई वार्डों में गंदे पानी की सप्लाई की खबर भी सामने आई थी, जिसके बाद आनन फानन में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए स्थिति में कुछ किया था। यदि जानकारों की माने तो लगभग आधा सैकड़ा गंदे नालों का पानी मंदाकिनी में सीधे गिर रहा है, जिससे नदी लगातार प्रदूषित होती जा रही है। ऐसे में नमामि गंगे जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में करोड़ों फूंकने वाली सरकारों को ध्यान देना होगा कि धरातल पर कैसे योजनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि मंदाकिनी नदी चित्रकूट की लाइफलाइन के रूप में जानी जाती है, बावजूद इसके किसी को इस बात की फिक्र नहीं। मंदाकिनी नदी लगातार प्रदूषित हो रही है, अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन स्थानीय लोगों का जीवन संकट में आ जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार क्या राम की मंदाकिनी को पापियों के चंगुल से गंदे होने से बचा पाती है या नहीं। पर्यावरण सुरक्षित है, कहीं कोई अनियमितता की शिकायत नहीं है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लोग विशेष रूप से और इस और अभियान चलाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि मंदाकिनी जी को उसकी पूरी सफाई हम लोग अच्छी तरीके से कराएंगे, जो हम लोग का एक अपने जनपद में विशेष प्रयास रहता है। तो अभी लॉकडाउन में तो सबसे पहले लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। वहीं समाज सेवी अभिमन्यु भाई ने बताया कि मंदाकिनी प्रदूषण का मुख्य कारण शहरों, मठों व धर्मशालाओं से गिरने वाले गंदे पानी से है। जब तक जीवन दायिनी मंदाकिनी नदी में नालों, शौचालयों व मठों के गंदे पानी को गिरने से नहीं रोका जाएगा, तब तक मंदाकिनी स्वच्छ नहीं होगी। देखिए, जो लॉकडाउन हुआ इसमें प्रकृति बहुत शांत हुई है, और अब हमने देख रहे हैं कि पानी भी इस साल बहुत ज्यादा बरसा है, हर समय बरसात होती रही है। तो एक अच्छा संयोग था कि फसलों के लिए पानी जो है वो नदी से कम उठाना पड़ा, जिसके कारण नदी में भी अभी पानी दिख रहा है हमारी मंदाकिनी के अंदर, यहाँ से लेकर के और राजापुर तक पानी। जबकि फरवरी में नदी सूख जाती थी, 2011 में सूखी, 2016 में सूखी, 2017 में सूखी, और नदी की जो हालत है वो सूखने का सबसे बड़ा जो कारण है वो इसमें पानी की धाराएं जितनी उससे ज्यादा पानी इससे लिया जाता है, निकाला जाता है, और नदी जो मर गई है, जो आज ये कूड़ा ढोने वाली मंदाकिनी के नाम से हम इसको कह सकते हैं कि कूड़ा ढोती है, मैला ढोती है, ये मंदाकिनी बड़ी अविरल थी। अभी कोरोना जो आया है ना, इसमें बात हो रही है इम्यून सिस्टम को कैसे विकसित किया जाए, और ये हमारी माता मंदाकिनी में इतनी क्षमता थी, यहाँ पर जितने भी रोग टीबी जैसे रोगी यहाँ पर आते थे और यहाँ के संत ऋषि आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल कहते थे, आज भी अनसुई आश्रम से थोड़ा कुछ दूरी तक आइए, बहुरा तारब तक आइए, आज भी वो क्षेत्र उतना ही पानी वहाँ का इतना पॉजिटिव है, इतना कि आप उसको पी लेंगे तो आपका नेचुरल जो है इम्यून सिस्टम को विकसित कर देगा, रोग आने नहीं पाएगा आपके पास में। तो इसको मारा किसने? इसको तो मारा यहाँ के सारे समाज ने मारा, सिस्टम ने मारा, सरकार की नीतियों ने मारा, और जितने भी नाले लगाए गए हैं, कम से कम 18-20 नाले हैं, वो तो सरकार, ये समाज के नाले हैं, सरकार के नाले हैं। इसके बाद जो भी बचा वो साधु संतों और मठों की जो सीधे उसमें शौचालय लगा दिए गए, ये सारा का सारा जो खेल हुआ है, इससे नदी हमारी मर गई। लेकिन सवाल इस बात की, नदी को जब हम साफ सफाई की बात करते हैं, तो बात साफ सफाई की बात मुझे हाँ एक हद तक लगता है कि चली नदी पर हम एक सोच पैदा कर रहे हैं, लेकिन साफ सफाई से नदी का पुनर्जीवन नहीं होगा, मंदाकिनी नहीं उस तरह की पुनर्जीवित।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं।